एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा सो रहा था, पर उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। तभी उसने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं तुझे ये कभी नहीं करने दूंगा। उस बूढ़े आदमी के इतना कहते ही उनकी नाक से खून गिरने लगा। वो कुर्सी पर बैठा बैठा चटपटा रहा था। घर की लाइटें भी चरमराती हुई बुझने को हो गई थी। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब ही रहा। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो जैसे नींद में ही कोई उसका पेट अंदर से काट रहा है। और कुछ ही देर बाद उसका सारा शरीर शांत पड़ गया और अगले पल ही उसकी आंखें खुल गईं। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थीं, जिससे रेंगते हुए कीड़े बाहर निकल रहे थे और उसकी नाक से खून बहता ही चला जा रहा था। वो बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठे बैठे ही मर चुका था। सीमा, एक बार फिर सोच लो। अभी यश 1 साल का भी नहीं हुआ है, हमें शिफ्ट करना जरूरी है क्या? देखो, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ ना। नहीं राजीव, मैंने मन बना लिया है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं यश को लेकर अपने पापा के घर जा रही हूँ। तुम्हें साथ आना है तो आओ, नहीं तो तुम्हारा बिस्तर गर्म करने के लिए तुम्हारी सेक्रेटरी तो है ही। सेक्रेटरी का नाम सुनकर राजीव तिलमिला उठा था। उसने गुस्से में सीमा के ऊपर हाथ उठाया था कि तभी सीमा को अटैक आ गया और वो एक जिंदा लाश की तरह थड़ाम से जमीन पर जा गिरी। राजीव भी तुरंत उसे संभाल वापस उसे बेडरूम में ले गया और बगल से दवाई उठा, उसकी 2 गोली सीमा के मुंह में रख दी। दरअसल सीमा को स्लीपिंग पैरालिसिस डिसऑर्डर है। इस बीमारी में सीमा का शरीर तो सो जाता है लेकिन उसका दिमाग नहीं। उसकी आंखें नींद में भी खुली रहती हैं और इस बीमारी का अटैक उसे तभी आता है जब वो बहुत गुस्से में हो या पर उसे बहुत डर लग रहा हो। ऐसा ही एक अटैक उसे राजीव के उस पर हाथ उठाने पर आया है, जिससे उसका शरीर डर के मारे सो गया लेकिन उसका दिमाग नहीं। पर हर बार की तरह राजीव ने उसे आज भी संभाल लिया था। गोली खाने के कुछ घंटों बाद ही सीमा वापस से ठीक हो गई थी और इस हादसे के दूसरे दिन ही सीमा लंदन से वापस बंगाल अपने पापा के पुराने घर में आ गई थी। दोनों घर में आते ही बड़े खुश थे। सीमा अपनी गोद में यश को अपने परिवार की फोटो दिखा रही थी और इन्हीं फोटो में सीमा के पिता की भी फोटो होती है, जिनकी मौत कुर्सी पर बैठे बैठे हुई थी। सीमा, तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ अजीब सी शांति है? बहुत नेगेटिव सा फील हो रहा है इस घर में। राजीव की बात सुनकर सीमा ने उस पर ताना कसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी उस सेक्रेटरी के किराए के घर से तो बहुत बुरा है। तुम ये बार बार सोनम को क्यों बीच में ले आती हो? बोला ना, गलती हो गई। अगर इतना ही बुरा हूँ तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? राजीव की बात सुनकर सीमा ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, माफी तो गलती की होती है, गुनाह की तो सजा होती है मिस्टर राजीव। सीमा की बात सुनकर राजीव गुस्से का घूंट पीकर रह जाता है। दरअसल सीमा जब पेट से थी तो राजीव ने कुछ समय के लिए अपने सेक्रेटरी के साथ संबंध बनाए थे। अब किसी तरह ये बात सीमा को पता चल गई थी, लेकिन अपने पिता के कहने पर उसने राजीव को तलाक नहीं दिया था। लेकिन उसने राजीव को कभी अपनी गलती भी भूलने नहीं दी थी। कुछ देर बाद सब लोग खाना खाकर सोने चले गए। सीमा बिस्तर के एक सिरे पर लेटी रहती और राजीव दूसरे सिरे पर। दोनों के बीच बिस्तर पर भी दूरियां थी और उनके रिश्ते में भी। दोनों गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक ही सीमा को लगा कि जैसे उसका बेटा यश रो रहा है। ये सोच उसने जैसे ही आंख खोली तो उसकी आंखों के सामने बीच हवा में एक सड़ी हुई औरत की लाश लटक रही थी, जिसे देख सीमा को फिर से अटैक आ गया था। उसका सारा शरीर सो गया था पर उसकी आंखें अभी भी सड़ी हुई लाश को देख रही थी, जिसके मुंह से काला काला सा कुछ गिर रहा था। आ गई तू, कब से तुझे बुला रही हूँ। तेरे बाप को भी तुझे बुलाने को कहा था लेकिन वो माना नहीं। बेचारा आज भी बेबस इसी तरह भटकता रहता है। खैर, अब जो तू आ गई है तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इतना कहकर उस सड़ी हुई लाश ने कुछ मंत्र बुत बताए और पास ही में सोया हुआ उसका बेटा यश हवा में उड़
लाश और सीमा के बीच आ गया था। लाश भी सीमा के बेटे को देख बड़ी खुश थी, पर बच्चा भी गहरी नींद में सोया हुआ था, जिसे देख लाश ने उसे वापस अपनी जगह पर सुला दिया और सीमा से मुस्कुराते हुए बोली, ये मेरी अमानत है, इसका ख्याल रखना, मैं जल्द ही अपनी अमानत को वापस लेने आऊंगी। इतना कहकर वो लाश एक पल में गायब हो गई और सीमा चस की तस बिस्तर पर बेचैन मन ही मन तड़पती रही। अगली सुबह जब राजीव की नींद खुली तो उसने सीमा की हालत देख तुरंत ही उसे दवा खिला दी और कुछ घंटे बाद सीमा पूरी तरह से ठीक हो गई थी। ठीक होने के बाद उसने राजीव को रात की बीमारी की सारी बातें बता दी थी, पर राजीव ने उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया और सीमा की दवाई खत्म होने का बहाना बनाकर बाजार चला गया और ये भी कह दिया कि वो देर रात को ही घर वापस आएगा। राजीव की बात सुनकर सीमा को राजीव पर एक बार फिर से शक हो गया, लेकिन इस वक्त उसके लिए राजीव से ज्यादा जरूरी उसका बेटा यश था और कल रात को ही घटना का जवाब जानने सीधा अपने पिता के कमरे में चली गई थी। पापा, पापा मुझे पता है आप यहीं कहीं हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मेरा बेटा खतरे में है, पापा मेरी मदद कीजिए, कल रात जो हुआ वो सब क्या था, वो औरत कौन थी पापा? सीमा कमरे में चीख चीख कर अपने पापा को याद कर रही थी, लेकिन उसके इतने कहने पर भी उसे अपने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। फिर थक कर जब वो कमरे से बाहर जाने को हुई थी तभी उसे अपने पापा की आवाज सुनाई दी, सीमा तू क्यों वापस आए, तुझे इस घर से दूर रख सकूं इसलिए ही तुझे लंदन भेजा था मैंने, तुझे बचाने के चक्कर में मैंने अपनी जान दे दी और मेरे मरते ही तू वापस आ गई, आखिर क्यों बेटा? अपने पिता की बात सुनकर सीमा ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे कमरे में कोई नहीं दिखा, पर उसे यकीन था कि आवाज उसके पिता की ही है, इसलिए उसने तुरंत ही अपना अगला सवाल किया, मेरा दम घुटता है इस रिश्ते में, मैं अब और नहीं सह सकती, पर अपने बेटे का सोचकर मैं राजीव को छोड़ नहीं पाती, सोचा यहाँ वापस आकर कुछ आराम मिलेगा, पर मेरी किस्मत में सुकून है ही नहीं। खैर ये सब छोड़िए, मुझे बताइए वो किस औरत की लाश थी, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे नहीं बल्कि मेरे बेटे को मारने आई थी। सीमा का सवाल सुन उसके सामने आईने में अपने पिता का अक्स भी दिखाई देने लगा था। बेटा वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी दादी मीनाक्षी है, तुम्हारे दादा की पहली पत्नी, उसे तुम्हारे दादा ने जिंदा ही इस घर में दफना दिया था। पर दादा ने ऐसा किया ही क्यों था? क्योंकि जब मीनाक्षी इस घर में आई थी तो उसके पेट में पहले से ही किसी और का बच्चा था, वो एक डायन थी, काली शक्तियों की पूजा करती थी, और जब ये बात तेरे दादा को पता चली तो उन्होंने जिंदा ही उसे इस घर में दफना दिया और गांव वालों के बीच अफवाह फैला दी कि उसे एक दिमागी बीमारी थी, इसलिए वो खुद ही पागल होकर घर से भाग गई और फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पर उसे मेरा बच्चा क्यों चाहिए, इससे उसका क्या लेना देना है? सीमा बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि जब उसे मारा गया तब वो पेट से थी और जिस बीमारी की अफवाह फैलाकर मीनाक्षी को मारा गया था तुम्हें आज वही बीमारी है बेटा। बीमारी के इसलिए चांद सीमा तंग थी, उसने धीमे लफ्जों में कहा, कोई नहीं बाबा, मैं आज इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ, तब वो मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नहीं सीमा, ये नामुमकिन है, उसने तेरे बेटे को अपना बेटा मान लिया है, वो उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है और उसके रास्ते में जो कोई भी आएगा उसे वो जिंदा नहीं छोड़ेगी, उसका भी वही हाल करेगी जो उसने मेरा किया था। पर बाबा कोई तो रास्ता होगा उसे छुटकारा पाने का। हाँ बेटी, जरूर है, उसकी लाश आज भी इसी घर में कहीं दफन है, अगर तुम उसका अंतिम संस्कार कर दो तो मजबूरन उसे ये धरती लोक छोड़कर पाताल लोक जाना होगा।
मैंने तो कई साल इस घर में जगह जगह खुदाई की, लेकिन मुझे उसकी लाश नहीं मिली और शायद तुम्हें भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर सीमा के पिता की आत्मा आईने से गायब हो गई। सीमा को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे और अगले ही पल वो यश को अपनी गोद में उठाकर घर से बाहर जाने को हुई थी, तभी घर के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सीमा भी समझ गई थी कि मीनाक्षी को उसकी बगावत की भनक लग चुकी है और उसे इस बात पर भी यकीन था कि उसे अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए खुद भी जिंदा रहना जरूरी है, तभी वो अपने बेटे की जान बचा सकती है। सीमा भी इस बारे में सोच ही रही थी तभी एक लकड़ी का टेबल उड़कर सीधा सीमा के सिर पर जा लगा और उसे फिर से स्लीपिंग पैरालिसिस का अटैक आ गया। वो एकदम से जमीन पर आ गिरी थी। यश गिरने के कारण अपनी माँ की छाती पर लेटा रो रहा था और एक बार फिर से उस बूढ़ी औरत का साया सीमा को साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगी, ला अब मेरी अमानत मुझे वापस कर दे। इतना कहकर मीनाक्षी की लाश यश को उठाने जा रही थी कि तभी दरवाजे को तोड़ते हुए अघोरी नंदा घर में आ गया था और उसके पीछे पीछे राजीव भी। मीनाक्षी की लाश अघोरी को देखकर समझ गई थी कि ये सब उसे पाताल लोक भेजने के लिए एक साजिश थी। अब तक उसने जो कुछ देखा और जो कुछ सुना वो सब सिर्फ एक कहानी, एक झूठ था। और तभी उसने तुरंत ही अघोरी नंदा पर हमला कर दिया, लेकिन अघोरी नंदा के लिए मीनाक्षी सिर्फ एक बुरी आत्मा थी जिसके पास डायन की भी शक्तियां थी। इसलिए अघोरी नंदा ने कुछ मंत्र बुदाए और अगले ही पल उसकी छड़ी की आंख खुल गई। आंख खुलते ही मीनाक्षी की आत्मा चीखते हुए सीधा आंख में समा गई थी और सारा माहौल फिर से शांत हो गया था। राजीव ने तुरंत ही सीमा के मुंह में दो गोली डाली जिससे वो भी होश में आ गई थी और उसने ठीक होते ही अघोरी नंदा का शुक्रिया अदा किया। दरअसल सीमा के पापा ने मरने से पहले सीमा को अघोरी नंदा के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि उन्हें इस मुसीबत से सिर्फ अघोरी नंदा ही निकाल सकता है, इसलिए वो दवाई के कारण से घर के बाहर जाना सिर्फ एक बहाना था ताकि राजीव अघोरी नंदा को घर में ला सके। इसके बाद सीमा की स्लीपिंग पैरालिसिस अटैक भी कम हो गए, लेकिन एक बात जो उसने आज तक सबसे छिपाई वो ये कि जब भी उसे अटैक आता है वो आसपास की आत्माओं का साफ देख सकती है और अगर चाहे तो वो दूसरी दुनिया में भी जा सकती है जहां कोई सपने में भी नहीं जाना चाहता है। और अघोरी नंदा ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका है कि सीमा को जो बीमारी है वो असल में उसके लिए एक वरदान है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।